मेरा नाम सुशीला है, मेरी एक 14 साल की लड़की है। जया मैंने अकेले ही उसे पालकर बड़ा किया है। जया और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने जया से छिपाई है। जया अपना स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से ही कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी, जया को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज दे देती है। मेरे सामने अजय था, एकदम अचानक ही आकर वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ भी नहीं था। अजय वो था जिसमें मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। अजय इसी शहर में आ गया था। अजय ने कहा कि उसने बहुत मुझे ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी, इसी कारण उसकी मुझसे बात या मिलना नहीं हो पाया था। अजय आज भी मुझसे प्यार करता है, उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो वो मुझसे बहुत बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूँ, और मैं इस बात के लिए उसे मना कर पाई मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम लोगों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलने और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊं, क्योंकि वह घर में जया है। मैं नहीं चाहती थी कि जया उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन जया के लिए हर बार मैं उसे मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अजय और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि जया उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली है। अजय और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में जया ने देख लिया। वो मम्मी कहती अंदर आई थी और एकदम से चुप हो गई, उसका चेहरा ही बदल गया। अजय वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि वो अब जया क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब कुछ मैं बता दूं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतज़ार किया। जया बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा, यह कौन थे? अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। जया ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो आज तक कहा वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ छिपाती नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आज मुझे इस बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल ही रही थी कि अजय फिर अचानक ही वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गए? अजय ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझने लगे, इसलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि जया सब कुछ जान ले। मैंने मना किया और कहा कि नहीं, लेकिन जया के कानों तक सच यह शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुनने बिना नहीं रह सकेगी। जया ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं? और फिर अजय ने जया को सच बता ही दिया। अजय मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे। तब जया सिर्फ 9 महीने की थी।
हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी मेरी सारी जमीन बेचकर उसे वहाँ से लेकर मैं यहाँ दूसरे शहर आ गई। अजय ने कहा, यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए ही तुम्हारा प्यार बांटने कोई नहीं और नहीं आ जाए, इसे इनसे मुझे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले तो हम एक दूसरे से बातें करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ लेकिन अभी भी यह मना करती है। जया सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हैं, कहो कि यह झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। जया यह सुनकर मेरी तरफ दौड़कर आई, मुझसे लिपट गई, रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान, मैंने कहा तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ, बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी की होगी तो तेरी भी वो बड़ी धूमधाम से जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को अजय ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी उम्र निकाल रही थी, उसने भी ऐसा ही किया था। जया ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल हो गई, कुछ हमें तो नहीं दोस्तों चाहिए। कैसी लगी ये हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।